अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से आपको तीन अपडेट से आगाह करते चलें कि लाहौर में निगरान हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर दिया। पंजाब की निगरान वज़ीर इत्तला'आत आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया है और पेंशन में 5% इजाफा किया जा रहा है, जबकि 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की पेंशन में 20% इजाफा किया जाएगा। आमिर मीर ने बताया कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सेहत तालीम के बजट में 31% इजाफा किया गया, जबकि सूबे की तरक्याती खर्चात 325 अरब रुपये होंगे। निगरान वज़ीर इत्तला'आत का कहना था कि निगरान वज़ीर आला ने फौरी तौर पर 600 अरब रुपये का कर्जा उतारने का फैसला किया है। 600 रुपये का कर्जा अदा न करते तो साल के आखिर तक ये कर्जा 1100 अरब हो जाना था, लिहाजा आइंदा 4 माह में ये कर्ज उतार दिया जाएगा। आमिर मीर ने बताया कि बजट में 1 अरब रुपये का जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड भी कायम कर दिया गया है। दूसरी जगह पंजाब की निगरान काबीना ने आइंदा माली साल के पहले 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% अडाक रिलीफ की मंजूरी दी गई है, जबकि पेंशन में 5% और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के पेंशनर के लिए 20% इजाफे की मंजूरी दी गई है।